अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में दोस्तों सबसे पहली जो खबर आपको लेकर आए साथियों, वो आई है अल रयान म्यूनसिपैलिटी की तरफ से। अल रयान म्यूनसिपैलिटी की तरफ से दोस्तों, अल रयान म्यूनसिपैलिटी की तरफ से ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के दौरान वहाँ पे दोस्तों एक रिसाइकल अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई। यानी दोस्तों, जो भी चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो उसको दोबारा हम लोग कैसे रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल कर सके, इसके बारे में दोस्तों एक कैंपेन चलाई गई। दोस्तों, कैंपेन चलाने का मकसद ये था कि वहाँ पर प्लास्टिक का जो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इससे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ होती है। तो इसी को लेकर अल रयान म्यूनसिपैलिटी की तरफ से रिसाइकल अवेयरनेस चलाया गया ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के दौरान। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही, कतर अटेंड कॉन्फ्रेंस ऑफ अरब एंटी करप्शन कॉन्वर्सेशन। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा आपको कि इस बार चौथवा सेशन था, एक कॉन्फ्रेंस करवाया जाता है सभी अरब कंट्रीज़ को लेकर, जो कि दोस्तों एंटी करप्शन, यानी करप्शन जो सभी देशों में होता है उससे कैसे बचा जा सके और कैसे कम से कम करप्शन हो। तो ये सभी गल्फ कंट्रियाँ इसमें पार्टिसिपेट करती है। इस बार रियाद में इसका आयोजन किया गया था और इस बार लगभग चौथी बार इस बार वहाँ पर इसका आयोजन था, जिसमें इस बार कतर भी शामिल थे और कतर भी इस बार शामिल था और ट्रांसपेरेंसी अथॉरिटी हमद बिन नासिर अल मिसेस साहब इसमें कुछ स्पीच भी अपना खुद को दिए थे। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है, यदि आप इंडिया के तो आपको जानकर काफ़ी खुशी होगा दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होने वाला है, तो इसका स्पॉन्सरशिप जो है दोस्तों इंडिया का पहला कंपनी है बायजू, जो इस बार 2022 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में बायजू जो है वो ऑफिशियली स्पॉन्सर करेगा पूरे मैच के दौरान। तो दोस्तों इसमें बायजू जो है उसका प्रचार भी होगा और इसका प्रमोशन भी किया जाएगा, क्योंकि वो स्पॉन्सरशिप बायजू इस बार जो है ले रहा है। जो बायजू का दोस्तों प्रचार आपने देखा भी होगा कि शाहरुख खान इसका प्रचार करते हैं। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग कोविड-19 की ताज़ा अपडेट के बारे में, फिर आगे मैं आपको खबर बताऊंगा। तो कतर में MOPH की तरफ से बताया गया है कि अब तक वहाँ पे 65,94,382 लोगों को कोविड की वैक्सीन पड़ चुकी है। 24 घंटा में 19,331 लोगों को वैक्सीन पड़ा है। 14,24,554 लोगों को कोविड-19 का बूस्टर डोज दिया जा चुका है। वहीं पे 24 घंटा में 122 केस आया, जिनमें से 119 केस जो है वो कतर में निकला, 3 लोग ट्रैवलर हैं। एक्टिव केस वहां पे 1,153 है। 24 घंटा में 103 लोग ठीक हुए हैं। अब तक वहां पे 358,789 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। अच्छी खबर ये है कि 24 घंटा में एक भी लोगों की मौत नहीं हुई। टोटल वहां पे 667 लोग अब तक कोविड से मारे जा चुके हैं। तो ये पूरी ताज़ा अपडेट थी दोस्तों कोविड-19 की। अब चलते हैं अगली खबर की ओर, जान लेते हैं अगली खबर साथियों क्या आ रही है। अगली खबर दोस्तों आ रही है वो फीफा वर्ल्ड कप को लेकर, ये भी खबर है। तो साथियों, फीफा वर्ल्ड कप के तरफ से बताया गया है कि बहुत ही अच्छी खबर है, यदि कोई लोग भी फीफा वर्ल्ड कप देखने आते हैं, यदि कतर में उनके कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर है, तो वो लोग अपने फैमिली मेम्बर के साथ या फिर कतर में जो दोस्त रहते हैं उनके साथ वो लोग रह सकते हैं। इसके लेकर कुवैत कतर गवर्नमेंट की तरफ से ये इजाज़त दे दी गई है। पहले क्या था दोस्तों कि यदि कोई लोग भी आता तो फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ रहने की इजाज़त नहीं थी, आप लोगों को होटल्स में ही रहना पड़ता, पर ये इजाजत अब दे दी गई है। यदि आप होटल में नहीं रहना चाहते हैं, फैमिली मेंबर साथ या फ्रेंड साथ रहना चाहते हैं, तो रह सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।